इतना 6 दिन के आलस की मशक्कत के बाद आज वीडियो तैयार हो गया। दबा के लाइक कर रहे हैं, दबा के सब्सक्राइब कर रहे हैं, पूरा लाइक एंड सब्सक्राइब जोर से कर रहे हैं, प्लीज 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 प्लीज, ताकि 6 दिन के आलस के बाद वीडियो शूट हुआ है। बहुत मेहनत लगा है यार। चल हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मीशो से परचेज की हुई न्यू कलेक्शन साड़ियाँ। बहुत दिन बाद मैं सूट करने बैठी हूँ। 4-5 दिनों से पार्सल आके रखी हुई थी, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना ज्यादा आलस आता है वीडियो शूट करने में। अभी मुझसे ये सब बिल्कुल नहीं हो रहा, बट मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेंटेन करके रखूँ अपने चैनल को, आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ और डे बाई डे और कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। आप लोग प्लीज मेरे शॉर्ट्स को जरूर देखिएगा। फुल हॉल वीडियो में तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट्स अपलोड करते रहूँ, आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँ। सो आज का वीडियो होने वाला है मीशो पार्टी वेयर डिजाइनर और सिल्क साड़ी स्पेशल हॉल, लाइक वेडिंग और पार्टी वेयर साड़ी हॉल है। मैंने ये सभी मीशो से परचेस करी है और ये सब काफी अफोर्डेबल प्राइस में, आई थिंक सभी के सभी अंडर 1000 आपको मिल जाएगा। और आप ये सभी अगर आपको कोई पसंद आता है परचेस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी साड़ी का कोड मिल जाएगा। तो बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज आप मेरे काम को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपको कलेक्शन अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा डियर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और सारे वीडियोस आएंगे, आप देखोगे ही। और इतना इस कंडीशन में इतना मेहनत कर रही हूं, इसके लिए थोड़ा सा अप्रिशिएशन चाहिए आप लोगों का, लव एंड सपोर्ट। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी का कलेक्शन। बिकॉज ज्यादा डिटेलिंग में अभी नहीं, साड़ी के साथ बताऊंगी कि मैं क्या सेट कर रही हूँ और कौन सी साड़ी कैसी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट वाली जो साड़ी है मेरी ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, इसका शॉर्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग ने देखा ही होगा। सो ऑर्गेन्जा फैब्रिक में ये एक एम्ब्रॉयडरी साड़ी है, लाइट पिंक साइज का कलर है, लाइट वेट एंड काफी अफोर्डेबल है, 784 की है आई थिंक, और उतने में मुझे ये साड़ी बेस्ट लगी। अकॉर्डिंग टू द प्राइस की मैं बात करूंगी, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी अच्छी दी गई है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। अगर आप इससे ज्यादा एक्सपेंसिव लोगे किसी सेलर से या फिर किसी शॉप से तो आपको उसी टाइप की क्वालिटी मिलेगी, बट जितना हमने इस साड़ी का प्राइस पे किया है उस हिसाब से ये साड़ी बेस्ट है। सो आप डेफिनेटली ले सकते हो, जैसे कि इसके कैटलॉग में दिख रहा था ये साड़ी का लुक वैसा ही है, वैसा ही एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाता है यहाँ पे, जहां पे आपको सिक्वेंस का काम मिल जाता है, थ्रेड का काम मिल जाता है, काफी सुंदर सा है, कलरफुल सिक्वेंस एंड थ्रेड वर्क है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, बीच बीच में आपको इस तरीके की छोटी छोटी बूटी मिल जाती है इसके पूरे आंचल में, और ये टेसल्स मिल जाता है आपको इसके आंचल के पल्लू में इस तरीके से पिंक कलर में। सो ये काफी खूबसूरत सी साड़ी है और बहुत अच्छी लेंथ तक ये बॉर्डर मिल जाती है आंचल में, और पूरा साड़ी आपको इसी तरीके का मिलता है। ऊपर में इधर प्लेन है, नीचे में आपको ये बॉर्डर के साथ बूटी मिल जाता है ऊपर तक। ओवरऑल पूरी साड़ी आपको इसी तरीके की मिलेगी, एंड ये आपको मिल जाता है साड़ी में ब्लाउज पीस, 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है, एंड ब्लाउज पीस में भी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये आपको स्लिप्स का वर्क मिल जाता है, एंड सेकेंड स्लिप्स का वर्क आपको यहाँ पे मिलता है, एंड ये आपको मिल जाता है फ्रंट नेक का वर्क। ये वाला जो एम्ब्रॉयडरी पार्ट आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा है, फ्रंट नेक के लिए मिल जाता है, और बैक नेक के लिए आपको यहाँ पे प्लेन फैब्रिक मिलता है। फैब्रिक का क्वालिटी भी अच्छा दिया गया है, जितने प्राइस की ये साड़ी उसी सबसे ये साड़ी बहुत अच्छी है, आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। आई एम रियली सॉरी, मैं अपने ओरिजिनल घर से मायके में हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ वहां नहीं हूँ, अपने मम्मी के घर आई हूँ, तो यहाँ ना मेरा ढंग का पूरा सेटअप है और ना ही एक सेपरेट सा जगह मिल पाया मैं जहां तहां वीडियो शूट कर लेती हूँ। गली में ना बच्चे लोग खेल रहे हैं तो उसका नॉइज आपको हो सकता है ज्यादा जाए, तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट साड़ी जो है मेरे पास, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की है साड़ी, इसे इवन ब्राइड लोग भी वियर कर सकती हैं, क्योंकि आजकल ये कलर ना बंगाल में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, आपको बहुत देखने को मिलेगा वेडिंग्स में। सो अगर आप ब्राइड हो तो भी ये साड़ी ले सकते हो अपने रिसेप्शन पे वियर करने के लिए। अगर आप ब्राइड हो, आपकी शादी होने वाली है या हो गई है, तो आप रिसेप्शन में पहन सकते हो, या फिर आप किसी के वेडिंग में जा रहे हो तो ये साड़ी पहन के जा सकते हो। कलर इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ये साड़ी का पल्लू है, आप देख सकते हो इसके पल्लू में भी बहुत अच्छी वीविंग की गई है, जड़ी का काम मिल जाता है आपको इस साड़ी में। सो ये ब्लू कलर में है, गोल्डन जड़ी का काम मिल जाता है, काफी रिच पल्लू दिया गया इस साड़ी का, बहुत सुंदर सा है। एंड ये सॉफ्ट सिल्क है, ऐसा नहीं हार्ड, एक सॉफ्ट सिल्क होता है जो आपके बॉडी में अच्छे से प्लीट्स बन जाए, वैसा सिल्क है।
एंड ये इसके टॉप का बॉटम है। साड़ी में काफी अच्छी बॉर्डर भी दी गई है, जो एक ढंग का बॉर्डर होता है वो मुझे मिल गया इस साड़ी में। एंड बहुत सुंदर सी इसमें फ्लोरल वीविंग की गई है, देख सकते हो आप, काफी अच्छी ब्राइडल वेयर साड़ी है। ये आपको मिल जाता है बॉटम का बॉर्डर, बॉटम का बॉर्डर थोड़ा ब्रॉड सा मिलता है जिसमें फ्लोरल वीविंग किया गया है, जड़ी से काम, काफी सुंदर सा इसका बॉर्डर भी है, काफी अच्छी साड़ी है। आप मेरी तरफ से ना हाईली रिकमेंडेशन है, हाईली रिकमेंडेड, 10/10 क्वालिटी में इसके क्वालिटी को दूंगी। मेरी तरफ से बहुत सुंदर ये साड़ी है, अगर इन केस आप किसी वेडिंग में जा रहे हो अभी तो ये डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत कलर भी है, साथ ही इसमें जो वीविंग है वो भी बहुत अच्छी है। रिवर्स साइड से कुछ इस तरीके की फिनिशिंग मिलेगी, बट मैंने ये साड़ियाँ इस तरीके की पहनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बैंगल्स ज्वेलरी वगैरह में उतने नहीं फंसते हैं। बट ये जो कपड़ा है ना वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, इस वजह से आपके बॉडी में बहुत अच्छे से फिट बैठेगा। सो ओवरऑल पूरी साड़ी आपको इसी तरीके की मिल जाती है एंड मुझे ये साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई। इसमें आपको ये ब्लाउज पीस मिल जाएगा ब्लू कलर में, बट सेम रनिंग बेस में ही आपको डिजाइन एंड बॉर्डर मिल जाएगा इसमें, जैसा विविंग पैटर्न हो रखा है, टॉप और बॉटम सेम। तो ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत लगी, अकॉर्डिंग टू द प्राइस बहुत अच्छी है, आप डेफिनेटली साड़ी को ले सकते हो। मेरी तरफ से 10/10 है, आप डेफिनेटली ले सकते हो। नेक्स्ट एक और ब्राइडल वेयर सिल्क साड़ी है एंड ये भी काफी अच्छी गुड क्वालिटी की फैब्रिक वाली साड़ी है, ये भी सॉफ्ट सिल्क है। इस तरह की साड़ियां मैंने जब अमेजोन से परचेज किया था, मनोहारी की साड़ी एक पिंक कलर में, मैंने आप लोगों के साथ काफी पहले शेयर करी थी अपने करवा चौथ के समय, उस टाइप की फैब्रिक क्वालिटी है इसकी एंड उसी तरह की साड़ी है ये। मनोहारी ब्रांड का जो मैं साड़ी लेती थी उससे डिट्टो इसकी क्वालिटी मैच हो रही है, बट काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये मिल गया। मनोहारी की साड़ी लाइक 1500, 1200, 1400, 1700, 1900 ऐसे होती है, ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई है। सो डेफिनेटली आप ये साड़ी ले सकते हो। इवन इसका जो वीविंग का पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं साड़ी के पल्लू की। तो साड़ी का जो पल्लू है, कहाँ चला गया इसका पल्लू, इधर है। सो इसकी पल्लू है वो भी काफी रिच है, आप देख सकते हो, पल्लू में भी गोल्डन जड़ी का काम हो रखा है इसके पल्लू में इस तरीके से। सो इसका पल्लू भी बहुत बढ़िया है, इस तरीके से पूरा पल्लू मिल जाता है, गोल्डन जड़ी का काम है एंड बहुत खूबसूरत सा इस साड़ी में वीविंग हो रखा है फ्लोरल पैटर्न में। ये डिजाइन देख के ही मैंने इस साड़ी को बाय किया था, क्योंकि ये जो अड़हुल का फूल होता है ना, अड़हुल फूल, उस तरीके से इसमें बनाया गया है, गोल्डन जड़ी में काम है इस साड़ी में। सो ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई एंड ये आपको बॉर्डर मिल जाता है टॉप और बॉटम में, ये साड़ी में बॉर्डर सेम दिया गया है एंड बीच बीच में आपको पूरा फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क है, सॉरी फुल वीविंग वर्क है इसमें, जड़ी का काम, लीफ, अड़हुल के फूल का ये डिजाइन पैटर्न, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया इस साड़ी का लुक। बाय द वे इसमें और भी कलर ऑप्शन है, आप चाहे तो दूसरे कलर में भी परचेज कर सकते हो। मैं बहुत लाल पीला करके थक गई थी, इसलिए आज के हॉल में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कलर चूज किया है लाल पीला से हटके, सो कि आप थोड़ा सा डिफरेंट कलर, और अभी जो ट्रेंडिंग कलर्स चल रहे हैं लाइक वेडिंग्स में, आपको इस तरीके का कलर देखने में अभी बहुत ज्यादा मिलेंगे, लोग इस तरह का कलर पहनना आजकल बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैंने उसी तरह से कुछ अलग डिफरेंट कलर की साड़ियाँ पिक करी है इस बार। सो ये पूरा साड़ी आपको इसी तरह का मिल जाएगा, आप सभी का फुल लुक ट्रेंड पार्ट में साइड में देख सकते हो। ये आपको ब्लाउज पीस मिल जाता है, यहाँ पे हल्का सा ये थोड़ा सा प्लेन पार्ट है जो कि आप कमर में टक्करोगे, ये ब्लाउज पीस का बॉर्डर आपको मिल जाएगा जिसे आप स्लिप्स में दिलाओगे, और ओवरऑल 80 सेंटीमीटर का आपको ये ब्लाउज पीस मिल जाता है। काफी अच्छी फैब्रिक क्वालिटी है, जो कि साड़ी की है वैसी ही आपको ब्लाउज पीस में भी मिल जाती है। सो काफी अच्छी ब्लाउज बनेगी इसमें एंड जब आप इसको स्टिच करा लोगे, पहनोगे, तो ये साड़ी बहुत सुंदर लगने वाली है। सो आप मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, ये साड़ी भी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने ये साड़ी लिया है बंधेज प्रिंट में, और इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सिफॉन फैब्रिक है। मैंने अमेजोन से दो तीन साड़ी आप लोगों के साथ शेयर करी है जिसमें इसी तरह की बांधनी प्रिंट में साड़ी है, बट वो जॉर्जेट फैब्रिक में थी, मुझे लगा ये जॉर्जेट ही है, बट ये सिफॉन फैब्रिक में आई है, काफी सॉफ्ट है, लाइट वेट है। सो ये साड़ी भी काफी अच्छी है। लास्ट अमेजोन हॉल में मैंने आप लोगों के साथ एक ब्लैक बांधनी साड़ी शेयर करी थी, ये उसी तरह का है, बट ये सिफॉन फैब्रिक में है, वो जॉर्जेट फैब्रिक में है। तो अगर आप जॉर्जेट में लेना चाहते हो तो अमेजोन वाला जो मैंने साड़ी आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें कलर चूज करके ले सकते हो। अगर आप शिफॉन फैब्रिक में लेना चाहते हो तो ये वाली साड़ी आप ले सकते हो मीशो से, आपको ये शिफॉन फैब्रिक में मिल जाएगी। सो ये भी लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, ये आपको जड़ी का वर्क वाला बॉर्डर मिल जाता है, काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ इसमें बॉर्डर है, जड़ी का काम किया हुआ है, और ये बांधनी प्रिंट में मिल जाता है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी है, तो आप चाहे तो दूसरे कलर में भी परचेस कर सकते हो। सो पूरा साड़ी आपको इसी तरीके की बंधेज प्रिंट में, बांधनी प्रिंट में मिल जाती है, काफी खूबसूरत सी ये साड़ी है एंड बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है,
और पूरा साड़ी आपको इसी तरीके के बॉर्डर के साथ मिल जाती है। सो ये साड़ी भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। एंड इसके साथ आपको अलग से मिल जाता है 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस जो कि फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। आप देख सकते हो फुल एम्ब्रॉयडर्ड जड़ी से काम किया हुआ है इसमें, जो कि बनने के बाद स्टिच होने के बाद साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि साड़ी बंधेज में प्रिंटेड है तो उसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई हेवी एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज है पिंक कलर में तो उसके साथ भी आप इस साड़ी को वेयर कर सकते हो, तो आप इसको भी स्टिच करा सकते हो। 80 सेंटीमीटर का आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा, 5.5 मीटर की आपको साड़ी मिल जाएगी। सो ये काफी अच्छी डील लगी मुझे, अफोर्डेबल प्राइस में भी है, सो डेफिनेटली आप ले सकते हो। क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे कि आपने जो साड़ी वेयर करी है उसका लिंक या कोड दीजिए, तो इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है एंड इसका हॉल बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट साड़ी जो मेरे पास है वो है ये पिस्ता ग्रीन, इलायची का जो कलर होता है ना छोटी इलायची वैसा है, पिस्ता ग्रीन आप इसको बोल सकते हो, साथ में पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी अच्छा लगा। एंड साथ ही ये सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक वाला कपड़ा है और ये काफी अच्छा है, साथ ही अफोर्डेबल भी है, डिजाइन भी बहुत बढ़िया दिया गया है एंड इसका जो कपड़ा है वो भी बहुत अच्छा है। सिल्वर जरी का काम मिल जाता है आपको इस साड़ी में एंड ये टेसल्स देख सकते हो, भाई साहब बहुत मस्त वाला टेसल दिया है, काफी हेवी सा टैसल है इसके आंचल में आप देख सकते हो। मैंने एक साड़ी ली थी उसका टैसल्स अलग से खरीद के मैं सोच रही थी उसके पल्लू में लगाऊं, मैं मार्केट गई थी, इस तरह का टैसल्स 80 रुपए का दो बता रही थी, मुझे बड़ा एक्सपेंसिव लगा, मैंने छोड़ दिया। बट ये अगर देखा जाए तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10 टैसल्स लगे हैं, 60 रुपीज से भी अगर हम काउंट करेंगे तो 5 पेयर है, 300 का टैसल्स ही हो गया, आप मानो तो 300 का टेसल्स इसमें लगा है। उसके बाद ये हम साड़ी का प्राइस आई थिंक 700-800 है, उस प्राइस में ये साड़ी बहुत अच्छी है, इसका पल्लू भी बहुत रिच है आप देख सकते हो, काफी सुंदर सी ये साड़ी है। एंड ये पिस्ता ग्रीन कलर में आपको पूरा साड़ी में बूटी पैटर्न मिल जाता है, जड़ी का काम है, सिल्वर जड़ी का छोटी छोटी बूटी हो रखी है, ये आपको टॉप में बॉर्डर मिल जाता है इस साड़ी में, काफी अच्छी बॉर्डर भी दी गई है लीफ पैटर्न में। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है ये बॉटम का बॉर्डर, ब्रॉड सा बॉर्डर मिलेगा पिंक कलर में और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। सो आप देख सकते हो इसका ये बॉर्डर है बॉटम में जहाँ पे बहुत अच्छा फ्लोरल वीविंग किया गया है और ये आपको मिल जाता है टॉप का बॉर्डर। एंड ओवरऑल पूरी साड़ी आपको इसी तरीके की मिल जाती है, काफी अच्छी क्वालिटी वाली साड़ी है, आप डेफिनेटली साड़ी को ले सकते हो। एंड ये आपको मिल जाता है ब्लाउज पीस पिंक कलर में, काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिया गया, मुझे ये साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई। आज के हॉल की सभी साड़ियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, आपको कौन कौन सी साड़ी अच्छी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी सच मानो तो आप लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ही मेरे लिए एक चैनल की जान बनी हुई है, क्योंकि मैं तो बेजान हो चुकी हूँ अभी इस कंडीशन में, बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाता मेरे से, एकदम से रेस्ट मोड में हूँ, बहुत पेनफुल प्रेगनेंसी है मेरी, सो चलने फिरने उठने बैठने सभी में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, भगवान जानता है मैं कितना कष्ट करके ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरे भाई ने पीछे पढ़ पढ़ के मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करवाया है, क्योंकि मैं बहुत 4-5 दिनों से आलस कर रही थी, आज करूंगी शूट। थैंकफुली कि मेरा भाई यहाँ है और वो मुझे इतना सपोर्ट किया है वीडियो शूट करने में, नहीं तो मुझे लगता है मैं अपने रूम पे जहाँ मैं रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ बेतिया में, वहाँ शायद मैं नहीं कर पाती हूँ। उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि तुम अपना काम कंटिन्यू रख, एकदम से रेस्ट मोड में मत जा। सो आज मैं ये हॉल कम्प्लीटली आप लोगों के साथ फाइनली शेयर कर रही हूँ। सो ये ब्लाउज पीस मिल रहा है और ये आपको मिल जाता है सेम रनिंग वेस्ट बॉर्डर के साथ, ये टॉप का बॉटम जो बॉर्डर है वो भी रनिंग बेस में, इसका ब्लाउज पीस बहुत खूबसूरत है पिंक कलर में, ये सिल्वर जरी का काम बहुत अच्छे से खिल के आ रहा है, सो आप देख सकते हो जब ये ब्लाउज आप स्टिच करवा लोगे तो इस साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगने वाला है, सो डेफिनेटली आप ये साड़ी परचेज कर सकते हो। क्वालिटी की साड़ी से सुना आप लोगों ने, मस्त क्वालिटी की साड़ी से। नेक्स्ट साड़ी एंड आज की लास्ट हॉल की ये मेरी साड़ी है ऑर्गेंजा सिल्क में, एंड ये भी काफी अच्छी लगी मुझे, बट ये मुझे थोड़ा सा उस जमाने वाली मम्मी लोग के जमाने की फील दिला रही है, क्योंकि मुझे लगता है अब इस टाइप की साड़ियां जल्दी नहीं मिलती है, बट आप सब जान रहे हो कि फैशन जो है वो राउंड एंड राउंड घूमता रहता है, उसी जमाने की सारी फैशन जो है अभी न्यू एंड लेटेस्ट हो गई है, तो उस समय क्योंकि इस तरह की साड़ियां मैं देखती हूँ मेरी मम्मी के वार्डरोब में भी है, उस समय जो चलती थी उस टाइप की साड़ी है, जिसमें अभी बेड्स लगा के इसको रिन्यू कर दिया गया, तो ये अच्छा लग रहा है, ऑर्गेंजा फैब्रिक में है, ऑर्गेंजा सिल्क इसको बोल सकते हैं, ऑर्गेंजा सिल्क ही ये साड़ी है एंड ये भी काफी सुंदर सी साड़ी है। सो ये साड़ी का पल्लू है, काफी अच्छी रिच पल्लू है, जरी का वीविंग मिल जाता है गोल्डन जरी का, एंड इसके पल्लू में इस तरीके की टैसल्स लगी हुई है, तो ये पहनने के बाद काफी अच्छा लगता है एंड पूरे साड़ी में आप देख सकते हो बीट्स भी बिठाए गए हैं जो काफी सुंदर लग रहे हैं,
आंचल में भी है और साथ ही इसके साड़ी के बीच में भी है। इस तरीके की लहरिया पैटर्न जो होती है ना, लहरिया लाइन, उस तरीके से इसमें फ्लोरल वीविंग किया गया है जड़ी से। एंड बूटी भी है, सभी पे बीट्स लगाए गए हैं गोल्डन कलर के, काफी अच्छे साइन भी आ रही है। एंड ओवरऑल ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। नीचे के बॉर्डर में आपको इस तरीके से बीट्स लगा हुआ मिल जाता है, बहुत ही छोटी छोटी बारीक बीट्स भी लगे हैं एंड डिजाइन भी बना हुआ है, पूरा फ्लोरल वीविंग के साथ आपको मिल जाता है। ये साड़ी इवन आप वेडिंग्स में पहन के भी जा सकते हो, या फिर आपके घर में बेटा बेटी, नंद देवर, किसी की भी शादी है उसमें आपके घर आए हुए गेस्ट के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि अच्छी साड़ियां हैं। आज के हॉल की सभी साड़ियां मुझे वेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छी लगी है। जैसे कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हो, मार्केट में जाके किसी दुकान से इतनी सारी साड़ियां लोगे तो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। सो ये सब मीशो पे अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई हैं, तो आप अगर वेडिंग्स में किसी को, घर में आए हुए गेस्ट को देने के लिए भी परचेस करना चाहते हो तो ये सब साड़ियां ले सकते हो। अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी की साड़ी है। सो ये साड़ी भी काफी सुंदर है, आप अपने पहनने के लिए भी ले सकते हो। सो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी लाइन वेरिएशन में आपको यहाँ तक नीचे का जो पार्ट है उसमें ऊपर तक स्टोन बिठाए गए हैं, जो कि नीचे में प्लीट्स में आएंगे, ऊपर तक इसमें स्टोन बिठाए गए हैं। तो काफी सुंदर सी ये साड़ी है, ऑर्गेंजा सिल्क फैब्रिक है, बट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, आराम से इसमें प्लीट्स बन जाएगा। सो डेफिनेटली आप ये साड़ी ले सकते हो। कि किसी भी साड़ी के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अपना न्यू आईडी एंड ओल्ड आईडी दोनों स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। एंड साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगी, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो। इसके साथ ही आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स पे भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, मनीषा जायसवाल शॉर्ट्स चैनल है मेरा। वहां भी मैं अपने ब्लॉग वगैरह या फिर अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अपलोड करती हूँ, साड़ियों का मीन्स की रील्स जो शॉर्ट होता है वो अपलोड करती हूँ, तो आप मुझे मनीषा जायसवाल शॉर्ट्स पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ये इस साड़ी का ब्लाउज पीस आपको मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस मिल जाता है गोल्डन जरी के काम में, फुल वीविंग का काम मिल जाता है आपको इसमें, औस्त्र दिला के आपको स्टिच कराना पड़ेगा। सो ये साड़ी भी काफी अच्छी है एंड सेम रनिंग बेस में ही आपको बॉर्डर मिल जाता है टॉप और बॉटम में इस साड़ी में। सो डेफिनेटली आप ये साड़ी भी ले सकते हो, क्वालिटी वाइज अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये साड़ी बहुत अच्छी है, सो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का पार्टी एंड वेडिंग वेयर साड़ी हॉल। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप लोगों की हेल्प की बहुत नीड है मुझे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा। ओके देन, मैं मनीषा मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट हॉल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।